प्रशांत एंड यू आर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। माय नेम इज प्रशांत एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर एमएसटी सीटी, जेई आईआईटी या फिर नीट, ये सब एग्जाम देना चाहिए या इनमें से कौन सा देना चाहिए या फिर क्या करना पड़ेगा इन सबको देने के लिए। ये सारा का सारा जो कन्फ्यूजन आज आपके दिमाग में है, सब कन्फ्यूजन गाइज आज आपका दूर हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिलेगा। इस कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल में नए हो तो, और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी और अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। तो यार ये सारा का सारा जो कन्फ्यूजन है कि यार एमएसटी सीटी दूं या नहीं दूं, अब साइंस के बच्चे हो तो ट्वेल्थ के बाद तो ये सबके सामने ऑप्शन आता ही आता है कि भाई मेडिकल में जाना है, नीट देना है, जेई आईआईटी देना है कि नहीं देना है, एमएसटी सीटी देनी कि नहीं देनी है। ये सब कुछ यार बहुत से कन्फ्यूजन आ रहे होंगे। आखिर ये सब होता क्या है पहले ये जानेंगे, क्यों देना है वो जानेंगे, एमएसटी सीटी क्या है, जेई आईआईटी क्या है, नीट क्या है, ये क्यों देना होता है, कौन सी डिग्रियां आप इनसे कर सकते हो, इसके क्या फायदे हैं, फ्यूचर में क्या नुकसान है। नुकसान तो आखिर किसी चीज का नहीं होता। तो चलो यार बताता हूं कि यार एमएसटी सीटी या फिर जेई आईआईटी या फिर नीट, इनमें से आप क्या दोगे या इनमें से कौन से फायदे हैं। आप महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो, ठीक है, तो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर वो चीज इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, तो वो सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त हर एक बच्चे के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि एमएसटी सीटी, जेई आईआईटी या फिर नीट या तीनों क्या किया जाए या फिर इनको देना ही नहीं है। ठीक है, ये सारे सवाल चल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है यार कि जो भी एग्जामिनेशन होती है ना, ये सब के सब एमसीक्यू बेस में होती है, तीन के तीनों। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो आपने 11th एंड 12th पढ़ा है इसी के बेसिस पे ये एग्जाम होती है, ये आपको बता दूं। तो चलो यार सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जेई आईआईटी ये एग्जाम किस लिए होती है। देखो जिन बच्चों को 12th के बाद इंजीनियर बनना होता है तो इंजीनियर बनने के लिए बीटेक एक सबसे बड़ा एक डिग्री है जिसका नाम है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपको ये डिग्री चाहिए तो आपको जेई आईआईटी का पेपर ही देना पड़ेगा, अगर आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो, जो कि इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। चाहे आप कंप्यूटर साइंस में जाओ इंजीनियर बनना रहेगा, चाहे आप लोग किसी भी पेट्रोकेमिकल में केमिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ईएक्सटीसी, जिसमें भी आपको जाना होगा, किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको जाना रहेगा, मैकेनिकल जो भी पार्ट है, सभी फील्ड में आपको अगर बीटेक करना है तो ज्यादा प्रेफरेबली हम लोग जेई आईआईटी सब बच्चे प्रेफर करते हैं। ये एग्जाम इंडिया का सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट पेपर है, सबसे पहले पे यूपीएससी आता है। तो इस एग्जाम को अगर आप देते हो तो आप बीटेक जैसे सारे के सारे बड़े बड़े डिग्रियों को आप कर पाओगे, बाकी आप सभी छोटे एग्जाम को दे सकते हो। आप इसकी हेल्प से बीई, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी डिग्री आप ले सकते हो। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये पेपर हार्ड होता है, इसके लिए एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं और वो ज्यादा जल्दी क्रैक भी कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि एमएसटी सीटी देकर के या महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, स्टेट बोर्ड वाले, बट एनसीईआरटी जो बचपन से पढ़ रहा है उसको थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो स्टेट बोर्ड से होता है उसे थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करनी होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी के लिए तो लोग कोटा जाते हैं, अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ जाके पढ़ाई करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज हो गई। तो आईआईटी जेई अगर इसकी प्रिपरेशन आप 11वीं 12वीं अच्छे से, आपका बेस बहुत ज्यादा मजबूत है, इस पेपर को जरूर देना, डरा नहीं रहा हूं, इसकी यही खासियत है। चलो दूसरे पेपर की बात करते हैं, नीट की। अब जिन बच्चों को बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटिस्ट, एमबीबीएस, फिर ऐसे बहुत से तीन से चार बड़े बड़े चार से पांच साल वाले कोर्सेस होते हैं जो डॉक्टर बनने के कोर्स होते हैं, तो वो बच्चा नीट का एग्जाम देगा। नीट के लिए ये भी एग्जैक्टली जेई आईआईटी जैसा ही है, ये भी हार्ड होता है, ऐसा नहीं है, बट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एज कंपेयर टू जेई आईआईटी थोड़ा सिंपल है। इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीन ही सब्जेक्ट प्रेफर होते हैं, जबकि जेई आईआईटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और अपना मैथमेटिक्स होता है। और नीट का एग्जामिनेशन देकर के आप डॉक्टर बन सकते हो, अब एमबीबीएस की डिग्री आपको मिल सकती है, आप एम्स में एडमिशन पा सकते हो, आप इंडिया के सबसे बड़े बड़े कॉलेजेस जो नीट के हैं उनमें आप एडमिशन पा जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा जिनमें आप कम पैसों में एमबीबीएस बन जाओगे, वरना 20 से 25 लाख रुपए
5 लाख 7 लाख to 10 लाख रुपीस पर ईयर तक की फीस होती है एमबीबीएस की प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप करोगे। एक मिडिल क्लास का बंदे की हिम्मत ही नहीं है। और इंडिया में ना 95% लोग एमबीबीएस कर ही नहीं पाएंगे। उनके पास दिमाग रहेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे घर में पैसे हैं तो ही कर पाते हो। दिमाग बहुत ज्यादा है, आपने इस एग्जाम को अच्छा खासा क्रैक किया, आप 600+ अगर आप अचीव कर पाए हो, 720 मार्क्स का ये पेपर होता है, तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी जहां पे आप 50 से 60 हज़ार में इजिली पेपर, यहां पे इजिली आराम से 4 साल की पढ़ाई कर सकते हो। 1 साल की फीस 50-60 हज़ार, 1 लाख मैक्सिमम रहने का, हॉस्टल विस्टल का सबका खर्चा पकड़ के, तो आप इतना कर सकते हो। बट अगर आपने इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए तो फिर आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप फिर एमबीबीएस के सपने छोड़ देना, ठीक है। अब ये दोनों नेशनल लेवल के एग्जाम है, JEE IIT और नीट। नीट का काम है मेडिकल का, JEE IIT का इंजीनियर्स बनने का। अब ये जो है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन दिलवाते हैं, आपका कैरियर सेट है समझ लो, ठीक है। हाँ, आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, वरना तो कैरियर तो छोटी चीजों में भी सेट हो सकता है, आपका किसी का कैरियर बड़ी चीजों में सेट होता है। तो ये दोनों एग्जाम के बाद लास्ट है तीसरा, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए MHT CET। अब ये एग्जाम से आज से 3 से 4 साल पहले MBBS डॉक्टर बना जा सकता था, बट अब MHT CET से आप MBBS डॉक्टर नहीं बन सकते। ये सबसे पहले कमियां बता दिया इस एग्जाम की मैं, बाकी आप सब कुछ बन सकते हो। आप BTech भी कर सकते हो, आप BE भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE और BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये दोनों इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी डिग्री महाराष्ट्र के सिर्फ अंदर ही, महाराष्ट्र के बाहर आपको एडमिशन इसके बेस पे नहीं मिलेगा और किसी भी IIT कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो MHT CET के दम पे आप लोग महाराष्ट्र के अंदर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, टॉप से टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, BTech एज वेल एज BE दोनों, ठीक है। इस बात को आपको समझ के रखना है। वैसे BTech के लिए आप प्राइवेट के थ्रू ही जा सकते हो, JEE मेंस का एग्जाम दे करके, बट कहीं कहीं मिल जाता है एडमिशन, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ। बट मोस्टली BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए ही एडमिशन आप MHT CET से ले सकते हो, बड़े से बड़े टॉप कॉलेजेस में। और ऐसा मत समझना कि IIT JEE इज बिगेस्ट वन, MHT CET के दम पे 35-35, 40-40 लाख का पैकेज भी बच्चों को मिल चुका है, लाइक फ्रॉम द COEP कॉलेज ऑफ पुणे एंड VJTI कॉलेज ऑफ मुंबई, सोमैया कॉलेज, फिर ऐसे नागपुर के बड़े बड़े कॉलेजेस, इन सब कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन अगर आपको मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली लाखों का पैकेज मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि टॉपर हमेशा आगे चल के जिंदगी अच्छी ही करता है, उसकी लाइफ सेट होती है हमेशा जो मेहनत करता है। और बैक बेंचर 20-30-40-50 हज़ार की सैलरी पाते हैं, उनकी लाइफ यहीं तक सेट होती है, वो इतने में खुश रहते हैं। कुछ होते हैं बिजनेसमैन जिनके पापा ऑलरेडी करके रखते हैं, तो वो बैक बेंचर सेटल हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई कर लोगे ना बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है। तो MHT CET से बेसिकली आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन ले सकते हो, JEE IIT और नीट के दम पे आप महाराष्ट्र के बाहर कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो, MHT CET के दम पे सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। और आप कभी MBBS का फॉर्म इस वे से नहीं भर सकते हो। आप फार्मेसी कर सकते हो, B Pharma 4 साल का कोर्स होता है, बहुत बड़ा कोर्स है, उसके दम पे आप मेडिकल हॉस्पिटल बहुत कुछ खोल सकते हो, मेडिकल की इंडस्ट्री, मेडिसिन कितनी बड़ी चीज है, डॉक्टर से ज्यादा मेडिसिन वाले कमाते हैं सोच लो, डॉक्टर तो सिर्फ पेशेंट को देखता है, मेडिकल वाला तो सबको दवाई देता है, किसी भी तरह का कैसा बयान दो। अभी हड्डी वाला डॉक्टर आंख वाला डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन मेडिकल हड्डी की भी दवाई देगा, आंखों की भी दवाई देगा। तो फार्मेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर आपकी 3-4 मेडिकल अगर आपने खोले, समझो आपके घर में पैसा ही पैसा है, एक मेडिकल से मिनिमम 50-60 हज़ार का प्रॉफिट, समझो। तो फार्मेसी एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा अच्छा खासा एक डिपार्टमेंट है, फील्ड, जिसके थ्रू आप MHT CET के थ्रू अच्छा खासा एडमिशन ले सकते हो, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाहर भी ले सकते हो, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो MHT CET के दम पे आप बड़े से बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, D Pharma B Pharma सब कर सकते हो। वैसे D Pharma के लिए कोई एंट्रेंस की जरूरत नहीं, वो 12th के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल तरीके से ओरली अच्छे से बता दिया कि MHT CET आपको आप क्यों देनी। हाँ, अब एक बात और सुनना, 12th के बाद जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इन तीनों में से कोई भी एग्जाम नहीं देंगे, तीनों MCQ बेस पे पेपर होता है, हम इन तीनों में से कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देंगे 12th के बाद, तो भाई आप लोगों को कोई भी बड़े से बड़े, जैसे BE हो गया, BTech हो गया या फिर फार्मेसी हो गया, इन सब में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप इन डिग्रियों में कभी एडमिशन नहीं पाओगे, आपको सेकेंड लेवल डिग्रियां ही मिल पाएंगी,
जैसे बैचलर ऑफ साइंस एंड ऑल ये सारी चीजें, ये भी अच्छी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ट्वेल्थ के परसेंटेज के बेसिस पे। आर यू क्लियर? सारी चीजें आपके दिमाग में फंडा क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आराम से आपको बता दिया। एमएसटी सीटी क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब सोच लो कि आपको ट्वेल्थ के बाद एमएसटी सीटी देना बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मुझे फैशन में जाना है, मुझे एनडीए का पेपर देना है, मुझे वहां जाना है, मुझे यहां जाना है। तो अब आपको एक बात बताता हूं भाई, चाहे आप कोई भी पेपर दो, लेकिन एमएसटी सीटी ये इसका सिलेबस 11th और 12th के बेसिस पे ही रहता है। आप लोगों को किस चीज पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो तुरंत बताऊंगा। और कैरियर गाइडेंस की वीडियो तो अलग से आएगी, बट अभी आपके क्वेश्चन वाला जरूर डाल देना कमेंट में कि आपकी वीडियो किसके ऊपर मैं वीडियो बना के दूं। अगर आप एनडीए का पेपर दे रहे हो, इसका पेपर दे रहे हो, उसका पेपर दे रहे हो, तो आप सोचोगे कि मैं एमएसटी सीटी जेईई आईटी नीट क्यों दूं? भाई जिंदगी में एक ही बार आने वाले हैं, दोबारा नहीं आएंगे। और अगर आपसे लगता है कि आप नहीं दे पाओगे, तो एक बात जरा ध्यान से सुन लो। सबसे बड़ी बात यह है यार कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, ये करना है वो करना है, ये सब के बारे में अगर आपको चाहिए वीडियोस तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो एनडीए वगैरह अगर आपको देना है तो दो, लेकिन इस पेपर को भी दो, क्योंकि क्या पता एनडीए में ना हो, क्योंकि 19.5 एज के बाद आप एनडीए का पेपर नहीं दे सकते, फिर आप सीडीएस का पेपर दोगे तो आपके हाथ से इतना बड़ा डिग्री चला जाएगा। और डिग्री मैटर करता है, इस बात को ध्यान देना अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे जगह में, आप सोचो ना जिसको 40 लाख का पैकेज मिल गया, उसको उसकी एक महीने की सैलरी कितनी होगी? 2-3 लाख रुपए होगी उसकी सैलरी, 3-3.5, समझा, महीने की, टैक्स वीक्स काट के आराम से 2.5 लाख कमाएगा। तो बड़े कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन होता है तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भी कंप्यूटर साइंस के लिए, जो हम लोग ने, मैंने भी खुद वही कर रखा है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए ही सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी पैकेज मिलते हैं, बाकी में इतना पैकेज नहीं मिलता। सबसे बड़ा कोर कंप्यूटर साइंस ही है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। बाकी डॉक्टर बनना है, फार्मेसी करना है, वो भी आप कर सकते हो। तो एमएसटी सीटी का इतना इंपॉर्टेंस है। जेईई आईटी दोगे तो आपको करोड़ों के पैकेज मिलेंगे, 1-2 करोड़ का पैकेज आराम से मिलेगा। पैकेज मतलब एक साल में 1 करोड़ का पैकेज, महीने डिवाइड बाय 12 कर लो, उतने लाख रुपए महीने का, समझा मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सारी चीजें होती है। तो पढ़ाई में इतना दम होता है, अब आप सोच लो, जो बच्चे कहते थे ना कि 12th है 11th है फिर नहीं पढ़ेंगे, हम तो बैक बेंचर हैं, हमारी जिंदगी सेट है, ऐसा सिर्फ उसी के मुंह से अच्छा लगता है जिसके पापा ने ऑलरेडी बिजनेस बना रखा है। जिसके घर में कुछ नहीं है तो उसके मुंह से अच्छा नहीं लगता, वो मूर्ख है, समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस बात को समझ लेना। तो यार पढ़ाई में अब ध्यान दो, अब मेहनत करने की बारी आ गई है। 12th के परसेंटेज के बेसिस पे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा यही कहता था, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। जैसा भी 12th गया अच्छी बात है, इन सभी को 60% के ऊपर चाहिए। ग्रुपिंग होती है एमएसटी सीटी जेईई आईटी नीट, इन सब में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इन सब में 60% ऊपर चाहिए, 60% प्लस मार्क्स 100 में से, इतना रहेगा तो आप इजीली पेपर दे पाओगे। इजीली आपको कोई लॉस नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा इस बात, वरना इसके पहले आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इस बात को भी आप ध्यान देना। और 12th के बाद बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, तो एमएसटी सीटी का पेपर देना पड़ेगा, वरना आपको सेकंड लेवल डिग्री करनी पड़ेगी। तो वैसे भी महाराष्ट्र के 15 लाख बच्चों में से 10-12 लाख बच्चे सेकंड लेवल डिग्री ही करते हैं, बाकी के 2-3 लाख बच्चे ही इंजीनियरिंग फार्मेसी ये सब कर पाते हैं, समझा, इस बात को भी ध्यान देना। तो ठीक है, अपनी च्वाइस है, तुम्हारा करियर तुम खुद बनाओगे, तुम्हारे हाथ में है, मेरा काम था गाइडेंस देना। अब गाइज मैं बात करता हूं कि जेईई आईआईटी नीट के लिए हम जैसे टीचर्स लोग, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी चीजें, तो यार उसके लिए बहुत पैसे लगते हैं और टीचर्स बहुत चार्ज करते हैं, 1500, 2000, 3000, 4000 पर घंटे का। उतना मेरे पास अभी पैसा नहीं कि मैं तुम्हें जेईई आईआईटी नीट ला सकूं, क्योंकि तुमको मैं फ्री में दे रहा हूं, और तुमसे अगर पैसे मांगूंगा तुम देने नहीं वाले हो, ठीक है ना, ना तो तुम पेड कोर्स खरीदने वाले हो, तो वो मैं ला नहीं सकता। तो इसके लिए यार ऑनलाइन तरीके से, जरा ध्यान से सुन लेना अच्छे से, ऑनलाइन तरीके से आजकल बहुत से बच्चे क्रैक कर रहे हैं एग्जामिनेशन, मतलब ऑफलाइन में वो सब कुछ नहीं मिल पाता जो ऑनलाइन में मिलता है। ऑनलाइन में देखो, ये पढ़ाकू पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है ऑनलाइन, क्यों? क्योंकि देखो यार, सिर्फ एक ही चीज की कमी है ऑनलाइन में कि कॉम्पिटिशन, वो माहौल इन द सेंस कि जब आप एक क्लास रूम में 70-80 बच्चे बैठते हैं तब आप पढ़ते हो, तो दूसरा वाला पढ़ रहा होता है तो उसको देख के तुम भी पढ़ते हो, लेकिन एक बात बताऊं, उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी है। बट ऑनलाइन के अंदर अगर बात करूं, तो अगर आपने सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओगे, तो आप लोग बहुत ढंग से, अच्छे तरीके से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ घर के कोने में बैठ के अपना दिमाग लगा के मस्त अच्छे से पढ़ सकते हो, विद द हेल्प ऑफ गूगल, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ मैनी वेबसाइट्स,
बहुत से एप्लीकेशंस, बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स, इन सब की मदद से। तो गाइज मैं भी आप लोगों को MHT CT की कोर्सेज प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि 22 मार्च 2022 से लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, 22 डेट याद रखना, 22 तारीख, आज है 19 जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 22 तारीख से आपको वीडियो मिल जाएगी। हम लोग कोर्सेस लॉन्च करेंगे MHT CT के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, इसी यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा के अंदर, ठीक है। हमारी पूरी टीम रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सबका हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइज अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, आप सबको सपोर्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आप लोग मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि MHT CT के लिए कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स हैं, कौन सी किताबों से आप अच्छे से पढ़ सकते हो, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो को करना इंतजार, तब तक के लिए चलते हैं। और कोई भी और वीडियो चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, इतनू सा भी क्वेश्चन रहेगा ना, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को दूंगा। तो चलते हैं, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।